सो गाइस अब हम लोग चल रहे हैं नाइट आउट और कुछ बड़ोदरा की फेमस चीज़ें डिश हम लोग टेस्ट करेंगे क्या कैसा है। सो चलिए चलते हैं और अभी हम लोग एक्टिवा से जा रहे हैं। सो ये है बड़ोदरा की रोड, आप देख सकते हैं रोड बहुत अच्छी है यहाँ की। मजबूर जैसा। तो फ्रेंड्स अभी चल रहे हैं रास्ते में और एक हम लोग में ये वो था हम लोगों का कि गुजराती डिशेस मीठी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर गुजराती डिश का मजा लेना है तो गुजरात आइए। और यहाँ हम मुझे कोई भी चीज़ ऐसी मीठी नहीं मिली, सब अच्छी स्पाइसी और चटपटी रहती है। तो वही बहुत सारी डिशेस ट्राई करने जा रहे हैं हम लोग। पानी की टंकी यहाँ ऐसे बनी होती है फ्लैट, हम लोग में गोल होती है, ये देख सकते हैं। स्वामी नारायण मंदिर है ये, देख सकते हैं कितना सुंदर बना हुआ है। रात में बहुत मंदिर मिलेंगे आपको, बहुत अच्छा मिलता है रगड़ा बेटे, मतलब वो भरा वाला। यहाँ पे लाइन से आपको खाने पीने की शॉप मिलेंगे। यहाँ पे हर चीज़ के स्पेशलिस्ट अलग दुकान है और हर चीज़ का मतलब जो जहाँ का स्पेशल है वो अलग अलग शॉप्स हैं यहाँ पे। और आपको जो भी खाना हो आप जो पसंद हो उस शॉप पे जाके खा सकते हैं। यहाँ देखिए पेटीज़ की एक अलग ही शॉप है, सो यहाँ हर वैरायटी की पेटीज़ मिलेगी आपको। रगड़ा पेटीज अभी शायद हम लोग ट्राई करेंगे। तो भैया हैं वो यहीं के रहने वाले हैं तो वही हम लोगों को ले कर आए हैं। देख सकते हैं लाइन से यहाँ पर रेस्टोरेंट्स मिलेंगे आपको, तो हर चीज़ की स्पेशल शॉप है। तो चलिए टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा है। ये रगड़ा पेटीज यहाँ की छोले टिक्की रहता है, छोले रहता है, चटनी रहता है, फ्रेंड्स ये अपने आप ही इन्होंने छोला भर के फिर से दे दिया है। और ये वाइट छोले तो यहाँ पे खाना खाने देने और खिलाने में बहुत दिलदार हैं सब लोग। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ एग की चीज़ें भी फेमस हैं। गुजराती में कुछ लिखा है समझ में नहीं आ रहा, बस देख लीजिएगा आप, अगर आप गुजरात से हो वडोदरा से हो तो बताइए। समझ
मैंने बताया था यहाँ पे अमर पान, यहाँ पान फेमस है, तो ये अमर पान करके है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं पान की वैरायटीज दिखाती हूँ, बहुत वैरायटीज है, सो ये देख सकते हैं, चॉकलेट पान, ओरियो पान, रेड वेलवेट पान, देख सकते हैं कितनी कितनी वैरायटीज है पान की। तो फ्रेंड्स आप सामने देख सकते हैं, ये हमारा संतुष्टि का ये मिल्क शेक फेमस है काफ़ी, और इधर ये छाछ वाला करके लिखा है, बट वो छाछ यहाँ पे बटर मिल्क होता है वो काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे इधर उधर से हम लोग आए हैं यहाँ से, एंड ये यहाँ पे देखिए पान पानी पूरी, आई थिंक ये राजस्थान लिखा है ना, राजस्थान पानी पूरी, और इधर हमारा पाव भाजी साउथ इंडियन है, और पान वाले भी काफ़ी शॉप्स हैं यहाँ पे, एंड पूरा एरिया मतलब पूरा बड़ौदा में आपको खाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं बढ़िया। अलग अलग पानी ये देखो, कितना बड़ा बटर है, देखना ये देखो बटर, देखना इसका भी देख, हम लोग चल रहे हैं रात्रि बाजार, यहाँ बहुत फेमस है, ये देखिए ये ASI का ऑफिस, ये देखिए पिज्जा की शॉप है, यहाँ पे बहुत वैरायटी के पिज्जा भी मिलते हैं, तो ये देख सकते हैं ये है रात्रि बाजार, रात्रि बाजार का मार्केट है पूरा, और उस साइड देखिए हाँ मटका बिरयानी और ये सब काफ़ी चीज़ें देख रहे हैं। चलते हैं, गाड़ी को पार्क कर दिया, शॉप है फ्रेंड्स, यहाँ फ्रूट्स की कुल्फ़ी मिलती है और बहुत ही टेस्टी मिलती है कुल्फ़ी, बिल्कुल आपका फ्रूट्स का फ्लेवर आएगा। सो यहाँ पे तो अनलिमिटेड शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं खाने पीने का, ये देख सकते हैं इधर भी हैं बहुत सारे, तो मैं आपको पूरा एक ओवरव्यू दे देती हूँ। कौन सी बोली भैया आपने? जीरा मसाला है, जीरा मसाला, जीरा मसाला, मुर्गा का मीनू, ये कितना अलग अलग तरह का सोडा होता है, ऑरेंज है, ब्लू जरा हां, कितना तो समझ में आना है, और खाना खाने में बढ़िया, तो सोडा मस्त है एकदम, रोस्टेड जीरे की खुशबू आती है ना, फ्लेवर आता है, बहुत टेस्टी। फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ मारवाड़, आप देख सकते हैं सामने मारवाड़ी फूड कॉर्नर पे आए हैं, एंड यहाँ पे मटका बिरयानी काफ़ी फेमस है, तो देखते हैं ये लेंगे हम लोग मटका बिरयानी यहाँ पे, अभी सोडा पी रहे, फिर ये पूरा एम्बियंस काफ़ी अच्छा, सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे पूरा मार्केट ही प्योर वेज है, कहीं पर भी आप खाइए प्योर वेज है एकदम।
जाके बना चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मटका बिरयानी कैसे बनाई जाती है। ये स्पाइसी है राहुल, कौन सा ये स्पाइसी है? कौन सा है? और कर दो एक ले ले। ये देख सकते हैं यहाँ की बहुत फेमस है ये मटका बिरयानी। तो ये रही हमारी मटका बिरयानी। दाल खिचड़ी यहाँ का हो गया है, अब चलते हैं एक जगह और वहाँ का भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। ये भी आपको खाने की मार्केट दी गई थी यहाँ पे बहुत वाली जू के आगे है ये मार्केट। ये है काला घोड़ा सिग्नल, ये सायाजी पार्क यहाँ का। ये सामने राम मंदिर, सायाजी यूनिवर्सिटी है भैया, ये देख सकते हैं आपको। महाराजा टाइप की यूनिवर्सिटी बनी हुई है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, किला टाइप का बना हुआ है, महल जैसा। यहाँ पे हॉट डॉग और मैगी वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं। यहाँ पे खाने पीने की वैरायटी बहुत है, बहुत है। वडोदरा का रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं, तो ये रेलवे स्टेशन आ गया, आगे से दिखाते हैं। ये वडोदरा स्मार्ट सिटी बस, ये देखिए ये रेलवे स्टेशन है। ट्रेन आ रही है ऊपर पुल के ऊपर, उधर है स्टेशन। वो प्लेटफॉर्म है, ये देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म है। सामने ये सब होटल्स पड़ते हैं, सर्किट हाउस है और ये भी महाराजा का ही है, बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल पैलेस जैसा बना हुआ है। महाराजा साया जी और वो भी महाराजा साया जी यूनिवर्सिटी ही थी। Thank you.
बैंक ऑफ बड़ौदा का इतनी बड़ी ब्रांच है, ये देखिए आप, मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच यही है बैंक ऑफ बड़ौदा की। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम सुनोगे तो बड़ौदा का बैंक ऑफ बड़ौदा जो ये मेन ब्रांच है, एंड इसके सामने भी खाने की सब आइटम्स है इधर। हाँ मेन बैंक ऑफ बड़ौदा का, हाँ ये पूरे कंट्री का हेड ब्रांच होगी ना, तो ये मतलब ऐसे मेन ब्रांच टाइप का है। और यहाँ पे सारे सैंडविच और जूस मिलेंगे आपको, ये देखिए सारे जगह सैंडविच है। तो इस तरह से बहुत टेस्टी सैंडविच यहाँ मिलते हैं। ये क्या है भैया? चीज ये सैंडविच है, वेज चीज, वेज चीज सैंडविच। हेल्दी एंड टेस्टी। चलते हैं एक और जगह जहाँ पे बहुत वैरायटी के सोडाज मिलते हैं, सो चलिए देखते हैं कैसा है वो। और ये सैंडविच जो हमने खाई वो भी बहुत टेस्टी है, वो दिखा दो। ये भी देखिए मार्केट है पूरी खाने पीने की ही। एक ऐसा पेट्रोल पंप है जहाँ पहले रिसिप्ट मिलती है उसके बाद पेट्रोल भरे जाते हैं। ये एक लौता ऐसा है। तो ये जस्सी के पराठे और ये भी बहुत फेमस है यहाँ का। ये घी गुड़ जो है वो भी बहुत फेमस है यहाँ भी, काफी सारी शॉप्स हैं आप देख सकते हैं। नेचुरल आइसक्रीम, सोडा पार्लर में ये देख सकते हैं MN सोडा पार्लर, और यहाँ बहुत सारी वैरायटीज मिलती हैं सोडा की। तो चलिए टेस्ट करते हैं। ये कैसा है? जिंजर मिक्स सोडा, मिक्स एक मिक्स शॉट आप एक जिंजर शॉट, जिंजर शॉट लोग फिर गुआवा शरबत लोग मिक्स बे जिंजर है। चार लिमोन एक
जिंजर के मिक्स शॉट बन गया एक स्वीट लेमन हार्ड है बहुत दारू से भी ज्यादा हार्ड है ये मिक्स शॉट ये हेल्दी है एक शॉट में बाबा शर्मा बोल दो ये स्वीट लेमन सोडा ये गुआवा शरबत गाय सर्कल है साइड में ये देखिए गाय गौ माता बनी है और यहाँ से लेफ्ट साइड में शॉपिंग के लिए स्ट्रेट आई जाना है ये विश्वामित्र ब्रिज है ये और इसके नीचे नदी है जैसा कि आपको थोड़ा दिख रहा होगा उधर और इसमें क्रोकोडाइल नदी बोलते हैं क्रोकोडाइल बहुत है इस नदी में देख सकते हैं ये लक्ष्मी निवास बड़ोदरा का पैलेस मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ ये देखिए कितना ये ब्रिज के बाद कितना बढ़िया था बना यहाँ पे रात में कोई खतरा नहीं है रात में आप चाहे लेडीज हो जेंट्स हो कोई भी अकेले ट्रैवल कर सकते हैं या कहीं भी घूमने जा सकते हैं जब पहले से अगर आपको जाना है तो इधर आप जा सकते हैं ये तिब्बतियन मार्केट है विंटर वेयर जहाँ मिलते हैं तो फ्रेंड्स ये गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है GSRTC की और ये अपना स्लीपर बस है तो इस तरह की बसेस चलते हैं यहाँ GSRTC है। ये पुराना बड़ोदरा है ये भी एकदम थोड़ा ठीक ठाक ही लग रहा है ये सामने पुराना फोर्ट है ये ओल्ड सिटी में हम लोग चल रहे हैं बड़ोदरा ओल्ड सिटी तो बड़ोदरा का इतना डिटेल वीडियो आप देख रहे हैं अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए तो चलिए चलते हैं सामने वो गेट है उधर न्याय मंदिर का गेट है ये पुराना फोर्ट महाराजा के टाइम का ये
शॉपिंग करने की दुकानें हैं, सब लेडीज की कपड़े मिलते हैं यहाँ पे, साड़ियाँ वगैरह सब कुछ। तो अभी फिलहाल बंद हो गया, अभी आई थिंक 11:30 हो रहा होगा या 11, अभी 11 हो रहा है। तो अभी शॉप्स बंद है, आप देख सकते हैं लाइन से शॉपिंग शॉप्स हैं। और ये एक द्वार और आ गया है, ये मांडवी गेट है, मांडवी गेट बोलते हैं इसको। शॉपिंग मॉल है ये, पानी गेट है, ये पानी गेट। जैसा लग रहा है फ्रूट्स ही खा रहे हैं हम लोग, ऐसा टेस्ट है एकदम। और ये चीकू कुल्फी है, मतलब एकदम जैसे लगेगा असली वाला चीकू ही खा रहे हैं, बहुत अच्छा टेस्ट है। पानी गेट के पास। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग घर आ गए, ये देखिए पीछे, तो जहाँ पे वडोदरा में रुके हैं बॉस के हैं, वहाँ पे आ गए घर। और काफ़ी अच्छा लगा वडोदरा घूम के, काफ़ी अच्छी सिटी है और मॉडर्न एमिनिटीज़ भी हैं और जो एंशेंट है वो भी काफ़ी अच्छा है, पैलेस आपको दिखाया, बाकी लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। और फूड आइटम, हाँ फूड आइटम्स तो बहुत अच्छे हैं। और ओवरऑल बढ़िया था काफ़ी टूर। और पीछे अब अपनी एक्सयूवी खड़ी है, गाड़ी अंदर करेंगे फिर चलेंगे। कल का प्लान है सरदार वल्लभ भाई पटेल वाले स्टैचू का, स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने का। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।